का बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ जो है कि पुलिस महकमा भी है और इनके भी जो है कि हम सपोर्ट में है, ये भी हमारे जो है कि सपोर्ट में है। ना हमको जो है कि इनसे कि जो है कोई बगावत है, कोई दुश्मनी है, ना कोई जो है कि हमारा कोई मकसद है, क्योंकि सामने वाला जैसा करेगा वैसा ही जो है कि हमें भी जो है कि उसकी जो है कि सजा मिलेगी, या सामने वाले जो है कि हमारे जो गार्ड है जो गार्डिंग करने के बजाय अगर हमारे ऊपर कोई अगर अत्याचार करता है तो हम उसके भी खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हमारे इंतजामिया भी जो है कि बेहतर है और हमारे आवाम भी। लेकिन मैं आप इंतजामिया से, मैं पुलिस महकमा से मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, जिसको जो है कि हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी, शान बोले तो बहुत आले मर्तबत, बहुत आले मर्तबत, जिसके मकाम को कोई हस्ती भी नहीं पहुंच सकती, जिसके मकाम को कोई हस्ती नहीं पहुंच सकती है, जिनके दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता है। तो आज ये जो रामगिरी महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, हमारे नबी की जो शान में गुस्ताखी की, उसे जुर्रत कैसे की उसने, उसकी क्या औकात, उसकी क्या मिसात है उसकी। हमारी जो है कि इज्जतों पर जो है कि बातें उछाली जाती, कीचड़ उछाली जाती है। हमने इस मामले में जो है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं किया,
हमारे घरों को जो है कि बुलडोजर के नजर किया जाता है, लेकिन हमने इस पे जो है प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सारी बातों का जो है कि निचोड़ एक ही है मेरे मोहतरम, सारी बातों का निचोड़ एक है कि हम तो मुसलमान ईमान वाले हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हर चीज सहन लेंगे, अपनी जान भी अगर कोई अगर मांगता है जान देने के लिए तैयार है। लेकिन नबी की शान में अगर एक उंगली उठी तो हम उंगली काट देंगे, उंगली काट देंगे हम। इसीलिए जो है कि हमारा नारा होता है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरकंद से जुदा, सरकंद से जुदा, क्योंकि हम बेहद मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत ही ईमान है। तो ये हम सब एक होने के बावजूद जो हमारे धर्म गुरु जो होते हैं, जो हमारे उलमा है, अभी जैसा इन्होंने बताया हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, उनकी शान को जो बताया, ये दो लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा मकाम है हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और धर्म गुरु होने के नाते हर एक धर्म गुरु को ये उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो अमन फैलाए, ना कि वो दहशत फैलाए। मगर ये रामगिरी बाबा जो माने जाते हैं, ये एक धर्म गुरु होने के नाते ये समाज के अंदर एक दहशत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है कुरानगिरी के बारे में, जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया था उसके बारे में। तो हमारी सब की जब हम हमारे बाप के ऊपर अगर कोई उंगली करता है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर माँ के ऊपर कोई उंगली करता है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमारे खानदान के ऊपर कोई उंगली कर सकता है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे नबी के बारे में कोई गुस्ताखी करे, हमारे माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई गुस्ताखी करे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह हम यहाँ पर जमा है कि हमारी एक ही मांग है कि जो रामगिरी है बाबा, जो रामगिरी है उसको अरेस्ट करे और उसे सख्त से सजा दे और फांसी दे, हमारी यही मांग है। हमारी पुलिस महकमा से गुजारिश है और यहाँ के जो निगरान हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश है, और जो अराकीन हैं ये तमाम हजरात यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हम तमाम का मिलकर एक ही मसले पर आपसे एक मांग है कि ये जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, हम अपनी जान की कुर्बानियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने माल और दौलत के लुट जाने को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान में आकर ज़बान दराजी करे, हमें ये कतन बर्दाश्त नहीं है। हमारी जान जाए, हमारी माल जाए, हमें बर्दाश्त है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जबान, उनकी शान में जो कि हमारी जान से ज़्यादा अजीज से अजीज तर है, उनकी शान में ये गुस्ताखी हुई है, ये बेअदबी हुई है। हमारी महकमे से, पुलिस अफसरान से, यहाँ पर जितने अराकीन हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे FIR को आप कबूल करें, उसे दर्ज करें, और इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ जो सज़ा मुतय्यन होती है उस पर कार्रवाई की जाए। हमारी आप सबसे, हम तमाम लोगों की यही मांग है। इसी थापरिया खतरनाक थापरिया सर।
on video and have since gone viral in social media. The contents of these remarks is the blatant attempt to undermine the religious sentiments of the Muslims and inside communal records. Thus, this shameful action comes under Section 295A of the Indian Penal Code 1860, also precedent Section 295A of the Bharatiya Nyay Sahitya PNS 223. Section 295A of the Indian Penal Code lays down the punishment for the deliberate and malicious acts that the intended to the outrage religious feelings of any class. 18 साल की लड़की रखती थी, तो आज के जमाने में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का कानून 18 साल का है, तो उस जमाने के 9 साल की लड़की 18 साल की लड़की लगती थी। इस वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया है कुछ गलत नहीं किया है, ये तमाम बातें ताकतों की चीजें हैं। तो अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, क्योंकि बातिल की साजिशें ऐसी हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो आप आराम से जाएं, आराम से पहुंचे, और पहुंचने के बाद सब दुआओं में लग जाएं और जुमा की तैयारी।